सतश्रीकाल दैनिक सूरज तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। बेअदबी मामले नूं लैके फरीदकोट दी अदालत ने डेरा सच्चा सौदा दे मुखी राम रहीम नूं 29 अक्तूबर नूं अदालत विच पेश होण दे हुकम जारी कीते ने। इस मामले दी जांच कर रही सिट ने प्रोडक्शन वारंट ते राम रहीम नूं पंजाब लिआउण दी एक पटीशन दायर कीती सी जिस नूं फरीदकोट दी अदालत ने मंजूर कर दिता है। राम रहीम दे कोलों 29 अक्तूबर नूं पेशी दौरान पुछगिछ कीती जाएगी। दस दईए कि राम रहीम रोहतक दी सुनारिया जेल विच बंद है। कुछ दिन पहलां ही CBI दी विशेष अदालत ने राम रहीम सने 5 दोषियों नूं रणजीत सिंह कतल केस विच उम्र कैद दी सजा सुनाई है। राम रहीम साध्वी यौन शोषण दे मामले विच 20 साल अते पत्रकार छत्रपति कतल केस विच उम्र कैद दी सजा भुगती है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते नवनियुक्त इंचार्ज हरीश चौधरी आज दिल्ली पहुंच रहे ने जिथे उह जनरल सकत्तरां ते सूबा प्रधानां दी होण वाली मीटिंग विच शिरकत करनगे। इह मीटिंग अज सवेरे 10 बजे कांग्रेस दे मुख दफ्तर विखे हो रही है। इस मौके विधानसभा चोणां मैंबरशिप मुहिम पेट्रोल डीजल दीआं वधदीआं कीमतां ते किसान अंदोलन संबंधी मीटिंग विच चर्चा कीती जाएगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों BSF दे मुद्दे नूं लै के सर पार्टी मीटिंग बुलाई गई सी। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि मीटिंग बड़े ही चंगे माहौल विच होई। उन्हां कहा है कि सारियां पार्टियां वल्लों सहमति पेश कीती गई है, इस नोटिफिकेशन नूं तुरंत रद्द कीता जाएगा। उन्हां कहा है कि जेकर केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस ना लिया तां इस मुद्दे ते जल्द ही विधानसभा दा इजलास बुलाया जाएगा। उन्हां कहा है कि पंजाब अते पंजाबियों दे हक्कां ते डाका मारिया गया, इस दे लई संघर्ष भी करना पिया तां पंजाब दीआं सारियां पार्टियां रल के संघर्ष विढ़णगीआं। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ BSP ਦਾ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਰੈਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ
अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति दे लई यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पोलिटिकल गेम, यह पोलिटिकल मूव है। मैं कत कौन चली कहना, क्यों कहना, क्योंकि मैं टाइमिंग नू क्वेश्चन करदा कि जो इलेक्शन आता दो तीन महीने पहला उदों ही हालात खराब होंगे पंजाब के, पहला क्यों ना हो गए, थोपिया क्यों जा रहा है, कंसेंट कितने स्टेट की, राज दे अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग रोजाना एक्टिव मोड विच रहिंदे ने अते नजायज तौर ते चलदियां बसां नूं इंपोर्ट कीता जा रहा है। इस दे संबंध विच राजा वड़िंग ने विरोधियों वल्लों कहा जा रहा है कि सियासी रंजिश दे तहत बसां ते कार्रवाई की जा रही है। इस ते राजा वड़िंग ने दस्सिया कि जिस दे वल्लों टैक्स चोरी किया जाएगा उस ते कार्रवाई की जाएगी, और चाहे कांग्रेस दा नाल संबंधित आगुआं दी ही बस क्यों ना होण, जिस दियां भी नजायज बसां चलणगियां उस दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बसा बंद ने, करतार दियां चार बसा इंपाउंड कीतियां गई हैं, कांग्रेसियां दियां डिंपा जी दियां तीन बसा इंपाउंड कीतियां गई हैं, किक्की ढिल्लों दियां ग्रीन बस सर्विस है चार बसा इंपाउंड कीतियां गई हैं, और 150 ऐसी कंपनी है जिन्हां दियां बसा इंपाउंड कीतियां गई हैं। ये केवल किसी को कोई मुद्दा नहीं है, ये अकाली दल कोई मुद्दा नहीं है, इस करके वो इस मुद्दे नूं उछाल रहे हैं। मैं रैंडमली जिस व्यक्ति का टैक्स टुट गया ओरी बस बंद कर रहे हैं, जां जिहड़ी अनअधिकारित तौर पर चल रही है, जां एक नंबर से चार बसा चल रही हैं उन्हां दा कर रहे हैं, तो वह किन्हां दा सी, वह इन्हों लोगों दिया ज्यादा बसा का नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्लीट इन्हों दियाँ वड्डियाँ हैं, चार चार सौ बसेज उन्हों दी हैं। तो सानू हुण डगदे कुछ खास खबर, ज़्यादा जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल, ते हुण नज़र मारदे अज दियां मुख खबर ते। राम रहीम नूं फरीदकोट दी अदालत च पेश होण दे हुकम, सिट करेगी पुछगिछ। राम रहीम साधवी यौन शोषण के मामले में 20 साल अते पत्रकार छत्रपति कतल केस में उम्र कैद की भुगत रहे सजा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और नवनियुक्त इंचार्ज हरीश चौधरी आज जनरल सकत्तरां ते सूबा प्रधानां दी होण वाली मीटिंग विच करनगे शिरकत। पेट्रोल डीजल दियां वध रहियां कीमतां ते किसान अंदोलन संबंधी मीटिंग विच कीती जावेगी चर्चा। लगातार एक्शन मोड च ट्रांसपोर्ट मंत्री नजायज बसां दे खिलाफ हुण करनगे सख्त कार्रवाई।